तो भाई ये है Xiaomi Pad 5 और ये है उसका स्मार्ट पेन। जो लोग पहले से चैनल पे जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैंने टेस्टिंग के लिए कम से कम 4-5 महीने पहले ये मंगाया था, क्योंकि बहुत से मेरे भाई चाहते थे कि मैं इसकी टेस्टिंग करूं पढ़ाई के लिए। ये टेबलेट कैसा है, अच्छा है नहीं है? नोट्स लेने के लिए कैसा है, अच्छा है नहीं है? मैंने टेस्टिंग की, मैंने ये टेबलेट मंगाया, 6,000 रुपए देके पेन मंगाया, और मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की। मैंने खुद ने अपने हाथों से नोट टेकिंग की टेस्टिंग के लिए स्पेशली 1 महीने तक भाई बहुत मेहनत लगी, पर नोट्स मैंने लेना स्टार्ट किया। लेकिन एक दिन, एक बुरे दिन क्या हुआ कि मैं जब नोट्स ले रहा था यूं, तो फिर लेते लेते ये जो टिप है, इसके आगे वाली टिप जो है वो टूट गई। नोट्स लेते लेते गिरा नहीं था ये, कुछ भी नहीं हुआ था, टूट गई। अब मेरे पास में एक और टेबलेट है जिसका मैं पहले रिव्यू कर चुका हूं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मैं देख लेना अमेजोन पे जाकर। ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट, ये 2 साल पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये 2 साल पुराना टैबलेट होने के बावजूद भी इसका पेन जो है वो एकदम बढ़िया चल रहा था, इसकी टिप नहीं टूटी, इसका कुछ नहीं हुआ। मैं खूब सारे नोट्स इससे ऑलरेडी ले चुका था, तो वैसी एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा था एमआई पैड 5 से, क्योंकि एमआई पैड 5 का आईपैड से नाम जुड़ता है, तो मैंने सोचा आईपैड जैसी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन क्वालिटी वैसी नहीं मिली और पेन टूट गया। अब टूट गया तो मैंने ये बताया अपने चैनल पे कि भाई इसका पेन टूट चुका है, कोई भी नोट टेकिंग के लिए, मेरी बात सुनना ध्यान से, नोट्स लेने के लिए अगर लेना चाहता है तो मत ले अभी तक, क्योंकि मैं अभी कंपनी से बात करूंगा, कंपनी फिर क्या कहती है, रिप्लेस करके देती है नहीं देती है, उसके बाद में आप डिसीजन अपना लेना। लेकिन मैंने साथ में भी बताया था कि जो एक्सपीरियंस है नोट्स लेने का वो सैमसंग में ज्यादा अच्छा है, एमआई में इतना अच्छा नहीं था। जितना मेरा पेन चला उतने दिन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात की, भाई मेरा जो है एमआई पैड 5 जो है खराब हो गया भाई, इसका ये पेन जो टूट गया भाई, अपने आप चलते चलते टूट गया भाई साहब, आपका पेन खराब था, आपके पेन में घटिया क्वालिटी थी, तो मेरा पेन तुम रिप्लेस करोगे क्या? फर्स्ट जवाब जो मेरा आया, लाइव वीडियो डाली हुई मैंने चैनल पे, कस्टमर केयर से लाइव बात की थी, उसने कहा कि भाई नहीं नहीं करके देंगे, ठीक, क्यों? क्योंकि ये तो डैमेज है और डैमेज जो है वो वारंटी में नहीं कवर होता है, ये एमआई का पेन है, ये एमआई का पैड है। मैंने कहा भाई डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता है, चलो मान रहा हूं भाई कि मेरे हाथ से ये टेबलेट छूट के गिर जाए तो वो डैमेज नहीं कवर होगा, मेरे हाथ से ये पेन टूट के गिर जाए तो नहीं होगा, लेकिन मैं पेन में टेबलेट पे, ये आपकी कंपनी का पैड है, टेबलेट है, ये आपकी कंपनी का पेन है, मैं इससे इस पर लिख रहा था भाई, लिखते लिखते टूट गया, उसमें मेरी गलती है तुम्हारी? उन्होंने मना कर दिया, बोल नहीं होगा भाई, नहीं होगा, आप एक काम करो सर्विस सेंटर पर जाओ। 2-3 बार मैंने कॉल किया सर्विस सेंटर पे, मैं गया अजमेर, अजमेर के सर्विस सेंटर पे गया, वहां पे जाया तो वो लोगों ने लेने से मना कर दिया, बोले साहब ये तो टूटा हुआ, हम तो लेंगे ही नहीं, हम तो इसको जमा ही नहीं करेंगे, आपको जॉब सीट सर्विस सीट कुछ भी नहीं देंगे, आप जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो भागो। तो ये सलूक किया गया मेरे साथ अजमेर के सर्विस सेंटर पे। उसके बाद मैंने फिर से कॉल किया कस्टमर केयर को, तो कस्टमर केयर ने कहा कि आपको जो है जॉब सीट लेनी पड़ेगी, फिर हम कुछ आपका कर सकते हैं, लेकिन अजमेर वालों ने मुझे जॉब सीट देने से मना कर दिया कि साहब ये तो डैमेज है, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि जॉब सीट अगर हमने आपको दे दी तो रिप्लेस करके देना पड़ेगा, रिप्लेस ही होगा नहीं क्योंकि ये डैमेज है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई मत दो। तो कस्टमर केयर को मैंने कहा भाई वो दे रहे नहीं है, तो बोले आप दूसरे सर्विस सेंटर पर जाकर ट्राई करो, और फिर नहीं देते तो हमको बताओ। मैं दूसरे सर्विस सेंटर पर गया, सीकर, सीकर के सर्विस सेंटर पर गया, वहां पे जाए, क्योंकि मैं तो अपने चैनल पे सब कुछ बताना चाहता था कि भाई तुम लेना चाहते हो, तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक होगा जब तुम ये टेबलेट ले लोगे, जब ये पेन ले लोगे, तो तुम्हारे साथ बाद में, लेने के बाद में जब तुम उनको पैसा दे चुके होगे, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे वो, तो वो मैं दिखाना चाहता था। तो मैं गया सीकर के सर्विस सेंटर में, मैंने कहा भैया ले लो इसको, ले लो यार, कस्टमर केयर ने बोला, उन्होंने कहा साहब देखो इसका तो पेन टूटा हुआ है, इसका तो निब टूटी हुई है, डैमेज में आता है, हम आपको बताएंगे बाद में कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। अब ये सारा काम होते होते 1-1.5 महीना तो ऑलरेडी गुजर चुका था भाई। उसके बाद सीकर सर्विस सेंटर ने कहा कि भाई हम आपको फोन नंबर देते हैं, आप हमें फोन करना जब भी आपको जरूरत पड़े। तो भाई मैंने फोन किया उनको वापस से, भाई ले रहे हो क्या, ले रहे हो क्या, 2-3 दिन बाद में, उन्होंने बताते बताते, मैंने वापस से 2-3 दिन बाद उनके, ले रहे हो बताते बताते, ऐसे करते करते 10-15 दिन और निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 1.5-2 महीने निकलने के बाद मैंने फोन किया, भाई कुछ तो करो, तुम मना कर दो, या तो नहीं लोगे तो भाई मैं केस करता हूँ फिर कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस करता हूँ एमआई के खिलाफ, इस Xiaomi कंपनी के खिलाफ जिसने मुझे लूट लिया, हमें तो लूट लिया एमआई वालों ने। तो उन्होंने कहा कि साहब एक काम करो, आप आके जमा करा के जाओ। अब 3 महीने हो चुके थे, 1 महीने तो मैंने कस्टमर केयर में वो अजमेर वाले सर्विस सेंटर में खराब किया, कोई मेरी शिकायत सुनी नहीं गई। 2 महीना और 1.5 महीना मैंने इस सीकर वाले सर्विस सेंटर से कि भाई ले रहे हो, ले लो भाई, जमा तो करो, तुम कर रहे नहीं कर रहे, भाई मेरे को लिख के दे दो, तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं करोगे ठीक, लिख के दे दो, वो भी नहीं दे रहे थे। तो उसमें 2 महीना मेरा निकल गया, 3 महीने हो गए और 6 महीने की वारंटी आती है इसकी। उसके बाद उन्होंने कहा भाई जमा करा जाओ, आप देखते हैं। मैं गया, मैं जमा करा के आ गया, उसकी मैंने वीडियो बना के डाली कि भाई सीकर सर्विस सेंटर पर देख आ रहा हूँ, अभी भी देखो अभी भी रुका नहीं है एमआई, कितना भाई कितना मेरा मतलब प्राण पिए हैं इस एमआई कंपनी ने, और आप भी इसका सामान लेना चाहते हो तो भाई ध्यान रखना इस चीज का। मैं सीकर सेंटर पे जमा करा के आ गया, फिर मैं उनको फोन करता हूँ भाई क्या हुआ, तो बोलते बताएंगे, क्या हुआ बताएंगे, क्या हुआ बताएंगे, नहीं बता रहे थे मुझे। 10-15 दिन बाद में मैंने कॉल किया भाई क्या हुआ, तो बोले साहब उनका रिप्लाई आ गया कंपनी का, तो कि वो तो नहीं ठीक करके देंगे, ये आपका रिजेक्ट है, डैमेज है, नहीं ठीक होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं ठीक होगा तो मेरे को लिख के दे दो कि नहीं ठीक होगा, क्योंकि मुझे तो केस करना है भाई, मुझे अपने जनता को जो सामने देख रही है उसको बताना है कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत क्या है, अगर पेन में मिस्टेक है तो कंपनी की ऐसी तैसी, कंपनी को पैसे भी देने पड़ेंगे, कंपनी को जुर्माना देना पड़ेगा भाई, कानून वानून भी कुछ होता है। मैंने कहा भाई तुम लिख के दो मेरे को कि नहीं ठीक होगा, उन्होंने कहा साहब लिख के तो हम नहीं दे सकते। बोले क्यों? क्योंकि साहब हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है।
मैंने कहा भाई तुम्हारा पोर्टल नहीं चल रहा है, क्या बात हुई भाई, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम मना कर रहे हो, मेरे को लिख के दे दो, नहीं करेंगे ठीक, हम मैं केस वेस करता हूँ फिर कंपनी पे। बोले नहीं साहब अभी तो पोर्टल चलेगा तब देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब 3 से 3.5 महीने निकल चुके, समझ रहे बात को, 3.5 महीने निकल चुके उसका पोर्टल चलते चलते। फिर मेरे पास कॉल आता है एक दिन वापस से एक और सिकर से कि साहब आपने जो है MI का पेन जमा करवाया था क्या सर्विस के लिए। मैंने कहा भाई करवाया था। तो बोले साहब एक काम करो आप उस पेन को ना जिस सर्विस सेंटर पे आपने जमा कराया उससे लेके हम अब दूसरा सर्विस सेंटर हमने खोल लिया उस पे देके जाओ, क्योंकि वो सर्विस सेंटर बंद हो गया है उस पे नहीं होगा, तो आप उठा के पेन को अब हमें वापस से नए सर्विस सेंटर पे जमा करा के जाओ। मैंने कहा मेरे भाई मेरे बंधु मैं 70 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ यार, 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है तुम्हारा सर्विस सेंटर, एक बार जाने में मेरा 1100 का तेल जल जाता है भाई, तुम्हारा 6000 का पेन है, अभी मैं 1100 का तेल तो पहले जला चुका, अजमेर में जाने में पैसा खर्च कर चुका, अब वापस आऊंगा वापस 1100 का तेल जलाऊंगा गाड़ी का, भाई तुम्हारा 6000 का पेन 2500-3000 तो मेरा वैसे खर्चा हो गया। और भाई ये तुम्हारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा अगर सर्विस सेंटर तुमने पुराना बंद कर दिया और नया खोल लिया तो तुम ले हो ना भाई उसके पास, मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो जमा करा दिया MI कंपनी के पास में, अब MI कंपनी जाने उसका नया पुराना सर्विस सेंटर जाने मुझे क्या लेना देना। बोले नहीं साहब हम तो नहीं ले सकते, वो तो मना कर रहे हैं पुराने सर्विस सेंटर वाले कि हम तो नहीं करेंगे, आपको कस्टमर को ही देंगे, आपको नहीं देंगे तो कस्टमर को ही भेजो वही लेके जाएगा। मैंने कहा भाई ये अच्छी बात है तुम्हारी दादागिरी, मतलब एक तो कर रहे नहीं हो ऊपर से परेशान कर रहे हो, इधर चक्कर कटाए जा रहे हो। भाई फिर से गया मैं पुराने सर्विस सेंटर के पास में, मैंने कहा भाई क्या चक्कर है तुम्हारा दे दो। तो वो पुराना सर्विस सेंटर वाला मुझे क्या बोलता है, वो अलग ही बोल रहा है, वो MI की खुद बुराई करने लग रहा है, बोलता है साहब ये कंपनी है ना कुछ नहीं, इसका रूल वूल बिना किसी नोटिस के हमारा सर्विस सेंटर को बंद कर दिया और नया सर्विस सेंटर खोल दिया, अब हम तो नहीं देंगे भाई नया सर्विस सेंटर वाले को हम माल नहीं देंगे, हम तो कस्टमर को भी बोल रहे कि भाई यहीं पटके रखो कंपनी अपने आप आएगी, झकमरा की कंपनी ने हमारा गलत तरीके से सर्विस सेंटर बंद किया है। भाई मैं तो मेरे पेन को लेकर बैठा था यहाँ, तो सर्विस सेंटर वालों को MI से शिकायत है कि उन्होंने गलत सर्विस सेंटर को बंद कर दिया बिना नोटिस के। मैंने कहा भाई देख मेरे भाई अभी तू मेरे को लिख के दे दे या तो कि कंपनी ठीक नहीं करी, वो तेरे को ईमेल जो आया था तुमने बताया था तूने मुझे बताया था कि भाई नहीं ठीक करी कंपनी, तो कोई ईमेल दे रहा है मेरे को। बोले साहब अब तो कुछ नहीं दे सकते, अभी कोई पोर्टल तो चल रहा नहीं है, और आपका जो जॉब सीट है वो हमको दो उस पर भी आपसे लिखवाएंगे कि आपको हमने पकड़ा दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आप नए सर्विस सेंटर पर भी जाओगे ना तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा चाहे चले जाओ। मैंने कहा भाई ठीक है कुछ नहीं होगा, लिख के तो दे देगा ना वो मेरे को, तो एक काम कर तू मेरे को पेन वापस पकड़ा। पुराने सर्विस सेंटर से मैंने पेन वापस लिया, भाई 3.5 महीने हो गए और इतनी माथा फोड़ी हो गई, मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका था। पुराने सर्विस सेंटर से मैंने पेन उठाया और मैंने उसको लिख के दिया भाई मैंने पेन ले लिया ठीक है तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैं नए सर्विस सेंटर पर चला गया। नए सर्विस सेंटर पर गया तो वहां पे वो खुश हुए मुझे देख के, हाँ 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 भाई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई कि कस्टमर की चीज लेके उनको नए सर्विस सेंटर पर लानी थी, वो उनका काम था, लेकिन फिर भी मैंने किया भाई, क्योंकि ऐसे से मुझे तो अपनी YouTube की जनता को दिखाना था कि भाई MI कंपनी क्या करेगी लास्ट में, ऐसे से करवाएगी अपनी करेगी क्या, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, तो भाई मेरे साथ इतनी चीजें तो हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद में मैंने उससे उठाया, मैंने उसको पकड़ाया, भाई लो ये तुम्हारा ये पेन पकड़ो और भाई कुछ कर दो यार इसका, करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे तो लिख के दो मेरे को, बोलते साहब आपका रिप्लेस करवाएंगे टेंशन मत लो। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा भाई ये बात, मैं ना बेवकूफ बना रहे हैं, उसने भी ऐसे बोली थी और उसने फिर बोल दिया कि नहीं होगा रिप्लेस, ये भी ऐसे बोल रहा है, ये भी नहीं करके देगा। फिर भाई मैं जमा करा के आ गया, अब मैंने बोला भाई कुछ दे दो मेरे को लिख के तो दो, कुछ कागज वागज को जॉब शीट वॉबशीट निकाल के दो कि मैंने तुमको दिया है। बोले साहब वो तो हम कुछ नहीं देंगे। मैं भाई तुम आगे 6000 रुपया पेन दे रहा हूँ मैं यार, मेरे को कुछ तो दे दो तुम कि मैंने तुमको दिया, ऐसे कैसे पता चलेगा मैंने तुमको दिया, सबूत क्या होगा। तो फिर मैंने कहा भाई तुम मेल कर दो मेरे को कि प्रोडक्ट रिसीव हो गया, कुछ तो दे दो कन्फर्मेशन। तो उसने मुझे मेल कर दिया कि हाँ साहब प्रोडक्ट आपने दिया हमने रिसीव कर लिया, जॉब शीट वॉबशीट कुछ नहीं दी। फिर भाई और 10-15 दिन निकल गए, कुछ रिप्लाई आया नहीं। मैंने उनको मेल भेजा नए सर्विस सेंटर वालों को, भाई क्या हुआ कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने MI कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट किया। अच्छा इससे पहले भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था MI कस्टमर केयर से, एक कस्टमर केयर थी एक औरत थी, उसने भाई मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात की ना कि भाई क्यों लिया तुमने, तुमको दिख रहा नहीं था कि चाइनीज है, पहले क्यों लेने भागे थे, 7 दिन कहाँ गए थे, रिप्लेसमेंट के टाइम पे क्यों नहीं रिप्लेस करवाया, अब तोड़ दिया, अब तुमको चाहिए नया नहीं मिलेगा ऐसे। भाई बहुत मेरे से बहुत बदतमीजी से बात की, वो मैंने डाली नहीं वीडियो क्योंकि वहां पर मैं भी गर्म हो गया था, फिर तो मैं नहीं डाल पाया उसको। फिर भाई कस्टमर को मैंने फिर से अब ताजा फोन किया कि भाई क्या हुआ, मेरा नया सर्विस सेंटर पर देख के आया हूँ तुम्हारे पुराने सर्विस सेंटर से लेके, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी जिंदगी में और काम तो है नहीं कोई, बस ये पेन और ये MI का टेबलेट ही लिए डोलूंगा मैं ना कि भाई ठीक कर दो ठीक कर दो, भीख मांगता फिर साला 6000 रुपये भी खर्च किए मैंने और भीख मांगू मैं MI से जाके कि भाई मेरा ठीक कर दो। तो उसने कहा भाई रुको हम देखते हैं, फिर उसने करके देख के बताया कि साहब आपका जो रिप्लेसमेंट वो इश्यू हो गया है। भाई सुन के अब क्या बताऊं कि मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था MI कंपनी से, इतना परेशान हो चुका था भाई कि अच्छा भी नहीं लगा मुझे सुन के कि भाई रिप्लेसमेंट आ गया। और फाइनली ये देखो मेरे हाथ में ये रिप्लेसमेंट का पेन है, ये MI कंपनी ने भेजा है। अब कंपनी तो ये चाहती है कि मैं भाई, क्योंकि मैंने उनको सर्विस सेंटर वालों को बताया था कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, पहली बार बताया मैंने उनको नए सर्विस सेंटर वालों को कि भाई तुम्हारा जो है, मैंने नहीं तो MI का मैंने एक लैपटॉप खरीदा था कि MI का जो नोटबुक अल्ट्रा, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे तुमको, मैं तीन चीजें खरीदी थी मैंने MI की और किसी भी चीज से मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। ये MI का मैंने, ये एप्पल का लोगो तो अलग से चिपकाया हुआ है, MI का नोटबुक अल्ट्रा है ना, ये देखो
इसमें 12 घंटे की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है, मेरे को 4 घंटे से ऊपर नहीं चलता ये जब से मैंने खरीदा, इसके साथ मुझे शिकायत है। और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज खरीदी थी एमआई की, ये एमआई के जो है वो है ईयरफोन, एमआई कौन से है, ईयरबड्स 3 प्रो है ना, देखो मेरा मुंह दिखाता हूं यहां दिखता था, ईयरबड्स 3 प्रो, इतना घटिया साउंड है भाई, ये भी 1800 रुपए मैंने खरीदे थे कि चलो मैंने सोचा एमआई पैड के साथ में ये वाले बढ़िया काम करेंगे, कुछ भी काम बढ़िया नहीं। फिर पेन आया, पेन टूट गया भाई, एक चीज से आदमी डिसअपॉइंट हुआ, इतनी चीजों से डिसअपॉइंट हुआ मैं। तो फिर मुझे ऐसा, मैंने कहा भाई देखो मैंने ना तुम्हारे एमआई के बहुत प्रोडक्ट खरीदे और मैंने अच्छे रिव्यू किसी के भी नहीं दिए क्योंकि बहुत खराब चल रहे हैं भाई। मैंने कस्टमर के लिए, मेरे को बोलते हैं लोग कि भाई हम खरीदे क्या ये पढ़ाई के लिए खरीदे नहीं खरीदे, तो भाई मैंने रियल रिव्यू दिया और भाई मैं बहुत नेगेटिव रिव्यू दूंगा, तुम नहीं ठीक करके दोगे, तो आपके बाद उन्होंने ठीक करके दे दिया फिर इस बात पे है ना। और वो मुझे चाहते हैं कि मैं उसका पॉजिटिव रिव्यू दूं, लेकिन मैं आप दो टाइप के रिव्यू दे सकता हूं भाई तुमको इस एमआई पैड और इसके बारे में। एमआई पैड जो है ना, ओनली पैड की अगर बात करूं मैं, नोट्स वोट्स लेने की अगर बात नहीं करूं तो बहुत बढ़िया टैबलेट है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, स्क्रीन बहुत बढ़िया, बैटरी बहुत बढ़िया और फॉर्म फैक्टर बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नोट्स लेना चाहते हो भाई 6000 रुपए एक्स्ट्रा देकर ये पेन लेना चाहते हो ना, तो फिर मैं रियल आपको ये बोलूंगा कि मत लो भाई एमआई पैड 5 बिल्कुल मत लेना, इसकी जगह इससे सस्ता पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट ये ले लो, या फिर सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE ले लो, या फिर S7 प्लस ले लो। सैमसंग का लोगे बहुत बढ़िया, एप्पल का लोगे बहुत बढ़िया। नोट्स लेने के लिए MI, VMI और ये Realme, Xiaomi किसी का मत लेना भाई, ये चाइनीज कंपनी बहुत घटिया चीज बनाती है। ना सिर्फ ये पेन की क्वालिटी घटिया होती है इनकी, क्योंकि अब नया पेन आया उसमें मुझे इतना मजा नहीं आ रहा जितना मुझे सैमसंग के साथ आता है, बल्कि इनके सॉफ्टवेयर की भी जो इसके साथ में इंटीग्रेशन, क्योंकि भाई ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा होगा उतना अच्छा ये पेन काम करेगा, रियल पेन तो है नहीं है और सॉफ्टवेयर इनका कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बस इन्होंने बना के डाल दिया क्योंकि टैबलेट का मार्केट आजकल बूम पे और ये चाइनीज सिर्फ ये करते हैं कि भाई कोई भी चीज बूम पे होती है उसको बना के जल्दी से डाल दो। अब वो कस्टमर को काम आ रहा नहीं आ रहा, कस्टमर की ऐसी हो रही है परेशान हो रहा है, कुछ ऐसे कराओ कस्टमर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये है देखो, ये था सारा क्राम का नहीं मैंने सुना दिया शुरू से लेकर लास्ट तक, और ये अब रिप्लेसमेंट तो आ चुका है, लेकिन मैं मेरी पर्सनल एडवाइस ये दूंगा कि भाई तुम अगर लोगे तुम्हारा टूट गया तुम्हारे पास रिप्लेसमेंट आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मैंने तो बहुत धमकियां दी उनको, बहुत धमकियां दी कि मैं कैसे करूंगा सालों यूट्यूब चैनल मेरा तुम्हारी ऐसे कर दूंगा ये कर दूंगा वो, तब जाकर उन्होंने दिया, स्टार्टिंग में तो मना कर दिया, 3.5-4 महीने तो मुझे चक्कर कटवाया उन्होंने मना कर करके, भाई बहुत कम चांस है तुम्हारा रिप्लेसमेंट आएगा तुम्हारे पास टूटता है। और दूसरी बात, नहीं भी टूटता है तो इसका मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लगा भाई, सच बता रहा हूं मैं, एकदम रियल पॉसिबल रिव्यू है ये। और बाकी बहुत है, तुम्हें किसी और पर विश्वास करना भाई, करो तुम्हारे पैसे खराब होंगे, मुझे नहीं वो चाहता कि तुम्हारे पैसे खराब हो किसी के भी, मान लो मेहनत से लेके आए तो जितने भी आता है 25-30 हज़ार रुपए, और फिर ऊपर से ये जो 256 GB का मेरा 28 हज़ार रुपये टैबलेट आता है और 6 हज़ार रुपये पेन के लग गए तो 32-33 हज़ार रुपये के लगभग पड़ता है ये। उससे अच्छा भाई 10-15 हज़ार और मिला सकते हो, आईपैड ले लो, नहीं मिला सकते तो टैबलेट सैमसंग का ले लो, S7 FE ले लो, या फिर S7 प्लस ले लो, बहुत जबरदस्त चीज़ है भाई, नोट्स लेने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उनका पेन भी चलता है भाई, 2.5 साल से तो मैं काम में ले रहा हूँ यार, चल रहा है आराम से मेरा, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं भाई। तो ये थी वीडियो, MI का रिप्लेसमेंट मिल चुका है, ये सूचना देने के लिए और मेरा रियल रिव्यू देने के लिए। कंपनी ये चाहती है कि मैं भाई उनकी तारीफ कर दूं क्योंकि उन्होंने मुझे इसलिए रिप्लेसमेंट दिया है, क्योंकि भाई मैं कंपनी के इतना जब मेरे साथ इतना किया तो तुम्हारे साथ क्या करेगी भाई। मेरा तो यूट्यूब चैनल है, मैं तो यहाँ पे उनको धमकी भी दे सकता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरे 68,000-70,000 सब्सक्राइबर है, मैं तुम्हारे इससे करूंगा, नॉर्मल कंज्यूमर वो क्या करेगा भाई, उसके तो सुनेंगे नहीं, वो मुझे ही धक्का कटा, इधर तो चक्कर कटा रहे हैं, इधर आओ उधर आओ, नए सर्विस सेंटर से लो, पुराने पे तो नहीं लेंगे, जमा नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे ये वो। तो भाई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा नोट्स लेने के लिए MI पैड 5 और ये पेन MI का। बाकी ऐसे नॉर्मल टैबलेट लेना चाहते हो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए या फिर और कोई काम के लिए तो वो ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया टैबलेट है MI वाला। नोट्स लेने के लिए नहीं अच्छा ये, कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आई कि मैं अलग अलग दो रिव्यू किए हैं भाई, एक तो टैबलेट का अलग किया है और नोट्स लेने के लिए अलग किया है, तो नोट्स लेने के लिए ये मत लेना और बाकी कामों के लिए एकदम बढ़िया। नोट्स लेने के लिए सैमसंग या फिर एप्पल, और कुछ सोचना भी मत भाई, सोचना दिमाग मत लगा क्या। पहले को ये थी वीडियो आज की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।